सारी बातें करेंगे, मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, कुछ कंपनी की प्रेजेंटेशंस है जिनके बारे में हम जानेंगे, एंड दिस वुड बी अ गुड इंटरेक्टिव सेशन। बहुत सारी चीजें हमें नई जानने के लिए हो सकता है मिले, और हो सकता है कि कुछ मेरी बातों का ऐसा प्रभाव आ जाए कि हमारे बिजनेस पे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, हमारे प्रोस्पेक्ट्स पे उसका बहुत अच्छा फायदा हो पाए। ऑल राइट एवरीवन, सो व्हाट, लेट्स जस्ट शेयर द स्क्रीन। सो वी विल स्टार्ट विद दिस एनडीओपी प्रोग्राम। जो कंपनी एनडीओपी प्रोग्राम रन करती है उससे हम स्टार्ट करेंगे, और हम बहुत सारी चीजों के बीच में बातें करेंगे। मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो लोगों के साथ मैं देखते हुए आया हूँ, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है और आज उनके पेआउट्स, उनके बिजनेस कितने बड़े बन चुके हैं। सो वेलकम एवरीवन टू द डे जॉय बिग एनडीओपी प्रोग्राम। सो हियर वी स्टार्ट। सो व्हाट इज डे जॉय? बेसिकली डे जॉय एक इकलौता ब्रांड नहीं है, डे जॉय इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ ब्रांड्स। और इसके पीछे बैकअप क्या है, कौन सी कंपनीज हैं, क्या ये अभी तक करते हुए आए हैं, सो इन सब चीजों की जानकारी आपको मैं यहाँ पर पर्सनली देना चाहूंगा। सो विल स्टार्ट विद अस्तप्राश। सो द कंपनी एडिला बायोटेक, उसका सबसे पहला प्रोडक्ट है अस्तप्राश। सो अस्तप्राश की शुरुआत हुई थी, मुझे अस्थमा था। सो एक और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ था तब से निमोनिया था। निमोनिया आगे चल के अस्थमा में कन्वर्ट हो गया। मेरे फादर साहब को बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक था, उनको किसी वैद्य ने उर्दू और फारसी की किताबें तोहफे में दी, और उस किताबों को उन्होंने ट्रांसलेट कराने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी, एंड उसके बाद हमने उन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। अस्तप्राश उसी एक वन ऑफ द फॉर्मुलेशन है। इस प्रोडक्ट की शुरुआत हुई सबसे पहले मुझ पे, एक स्मॉल ट्रायल रन हुआ, बहुत सारे लोगों को हमने ये प्रोडक्ट दिया। मैं एक वन ऑफ द व्यक्ति हूँ जिसके अस्थमा की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, जिसको इनहेलर की हर सीजन टू सीजन जरूरत पड़ती थी। मैंने अपने अस्थमा को पीछे छोड़ दिया। इस प्रोडक्ट के हमें इतने शानदार रिजल्ट्स नजर आए कि हमें ये लगा कि ये प्रोडक्ट क्यों ही ना हम अस्थमा में चेक करें, हम इसके अलग अलग वेरियंट चेक करें। सो इस प्रोडक्ट के लिए हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किए। इसका मतलब, प्री क्लिनिकल मतलब हर कंपनी क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल ट्रायल करती है। प्री क्लिनिकल मतलब एनिमल टेस्टिंग जिसे हम बोलते हैं, कि रैट्स के ऊपर टेस्ट करके देखा जाता है कि इस प्रोडक्ट का कितना फायदा मिल रहा है। एक और चीज जाननी जरूरी है कि रैट्स का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और जो ह्यूमन का बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द ट्रायल्स जो हम देखते हैं वो रैट्स के ऊपर करे जाते हैं। दिस इज वेरी नेसेसरी कि हम किसी भी प्रोडक्ट की एक फुल प्रूफ रिसर्च कर लें बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। सो अस्तप्राश की हमने बहुत सारे टेस्टिंग्स करी, पॉल्यूशन में कितना काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स कितने हैं, इम्यूनिटी कितना बढ़ाता है, तो इन सभी रिजल्ट्स को देख के हम खुद बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इस प्रोडक्ट की हमने शुरुआत वहां से करी जब कम से कम हमने इसमें 5 से 7 साल सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाए, और आज हम ये देख रहे हैं कि लोगों का अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लोगों की ठीक नहीं हो रही थी सालों से, लोग चल नहीं पा रहे थे, ओल्ड एज की वजह से सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे, यंग एज की जनरेशन जो सिगरेट पीती है, तंबाकू खाती है, उन लोगों के भी लंग्स में जो टार जमा हो जाता है उसको ये बाहर निकालता है। सो अस्थप्राश अपने आप में टाइम के साथ अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये बहुत सारे घरों की खुशियों को, खुशियां लेकर आएगा। सेकेंड ब्रांड इज वाइल्ड म्यूज। सो वाइल्ड म्यूज इज बेसिकली अ कॉस्मेटिक ब्रांड। इस ब्रांड की हमने शुरुआत करी आफ्टर स्टार्टिंग द डे जॉय। इस ब्रांड के अंदर हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्योरेंट, सो व्हाट डज क्योरेंट मींस, ये भी बड़ा जानना जरूरी है कि क्योरेंट का मतलब क्या है, क्या सोच से ये ब्रांड चालू किया गया था। सो बेसिकली हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट एक सोच से शुरू होता है, तो वो सोच क्या थी क्योरेंट को शुरुआत करने के पहले। क्योरेंट इज बेसिकली क्योर इंडिया, क्योर करो पूरे हिंदुस्तान को। इस सोच के साथ डेजॉय उतरी है मार्केट में कि हमारा सबसे पहला मिशन है कि हिंदुस्तान को रोग होने ही नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तान आयुर्वेद हजारों सालों से चला रहे हैं, पर आयुर्वेद खत्म हो गया ड्यूरिंग द टाइम। हम एलोपैथिक की तरफ इतना ज्यादा जुड़ गए हैं, इतना ज्यादा कन्वर्ट हो गए हैं कि हमने आयुर्वेद को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
हर चीज का इलाज था आयुर्वेद में। आज तक हम हजारों सालों से देखते हैं, ऋषि मुनि इन्हीं चीजों को देखते हुए और इसी से दुनिया जिंदा थी। अब पर पिछले 100 साल के अंदर एलोपैथिक ने आयुर्वेद को दबा दिया है। सो आयुर्वेद की सोच को लेके एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए इस ब्रांड की शुरुआत करी गई। इसमें कई अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी करंटली हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है, रिसर्च फेज में है और आने वाले हैं। नेक्स्ट ब्रांड इज यमडम। सो यमडम के अंदर अभी हमने पिकल्स निकाले हैं, मसाले हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी एफएमसीजी रेंज के अंदर हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग रेंज, एफएमसीजी रेंज, जिसके अंदर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी लेकर आ चुके हैं और आने वाले हैं। नेक्स्ट इज होम शाइन। होम शाइन इज बेसिकली होम केयर रेंज। होम केयर रेंज के अंदर हमारे टॉयलेट क्लीनर हो सकते हैं, हमारा सोप हो सकती है, बर्तन धोने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, इसी टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमारे होम शाइन की ब्रांड नेम है। होम शाइन, हर चीज का, हर ब्रांड का एक पीछे मतलब है, वो हमें समझना जरूरी है टू कनेक्ट विद द ब्रांड। आयुष्मान, आयुष्मान हमारी मसाले का ब्रांड है जिसके अंदर हम सारे मसाले और चीजें लेकर आते हैं। हैप्पी ग्रो, सो हैप्पी ग्रो इज बेसिकली एन एग्रीकल्चर ब्रांड। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के लिए हमने ये ब्रांड शुरू करी है जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के रिजल्ट और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। सो एनी प्रोडक्ट वी लॉन्च इन हैप्पी ग्रो इज बिन रिसर्च एटलीस्ट फॉर 6 to 8 months, 6 से 8 महीने हम उस प्रोडक्ट का रिजल्ट लेते हैं और उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी मेटल्स लिमिटेड। मल्टी मेटल्स लिमिटेड एक हमारा बहुत बड़ा वेंचर है जो कोटा राजस्थान में स्टेब्लिश्ड है। वी मैन्युफैक्चर कॉपर ट्यूब्स बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है जीवन संबल, ये गवर्नमेंट के साथ हमारा टाई अप था जिसके अंदर हम फूड वैन्स के थ्रू अलग अलग शहरों में अलग अलग लोकेशंस पे खाना प्रोवाइड करते थे 5 और 7 रुपए में, 5 और 8 रुपए में। नेक्स्ट इज हरमोसा। हरमोसा हमारा लग्जरी फर्नीचर का एक वेंचर है जिसके अंदर हम फर्नीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हमारा दिशा पाटनी ब्रांड एम्बेसडर है, गौरी खान हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जो इस ब्रांड को एंडोर्स करते हैं और इस ब्रांड के लिए काम करते हैं। डोमाटी, डोमाटी इज बेसिकली अ क्लोथिंग ब्रांड। अभी इसके अंदर कंपनी के सूट लेंथ है, टाई है, पर आने वाले समय में इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारे लग्जरी वियर के काम आएंगे, मे बी जीन्सेस, मे बी टी शर्ट्स, सूट्स, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। ओरिलाइट लाइफ स्पेस, सो बेसिकली ओरिलाइट क्या है वो हम समझ लेते हैं। सो ड्यूरिंग द टाइम लाल ईंटें जो हमारे घरों में यूज होती हैं, लाल ईंटें जब बनती हैं उसके अंदर बहुत सारा पोल्यूशन पैदा होता है, तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए लोगों ने एक नया आविष्कार किया 10-20 साल 25 साल पहले, और फॉरेन कंट्रीज से ये आविष्कार चालू हुआ और आते आते हमारे हिंदुस्तान में 2010 में ये चीज आई। और बेसिकली क्या है कि ऐश लो, आप जितने भी बड़े प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स हैं, कोयला जलता है, वुड जलती है, उससे जो राख बनती है उस राख से ईंटें बनाई जाती है, और वो ईंटें इको फ्रेंडली होती है क्योंकि उसके अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा होता है, और वो एक सब प्रोडक्ट होता है, वो एक किसी चीज का वेस्टेज है जिससे आप एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट भी मिलता है इसके अंदर, ऐश भी रहता है, लाइमस्टोन भी रहता है, सैंडस्टोन भी रहता है, और अन्य बहुत सारे टाइप के केमिकल रहते हैं जो एक डबल एसी ब्लॉक को बनाते हैं। सो डबल एसी मीन्स AAC, सो दैट इज द प्रोडक्ट विच इज इन ओरिलाइट का एक प्रोडक्ट है। उसी के साथ ओरिलाइट की पुट्टी आती है, अलग एक पुट्टी का सेटअप है जहां पर पुट्टी बनाई जाती है, दीवारों पे जो पुट्टी करी जाती है। सो इट इज बेसिकली अ सिविल सिविल बेस्ड कंपनी। ओरिलाइट अपने खुद के कंस्ट्रक्शन भी करती है, ओरिलाइट मटीरियल तो बनाती है उसके साथ ओरिलाइट कंस्ट्रक्शन में भी है। सो इफ यू वॉन्ट कि अगर हमें 15 फ्लोर 20 फ्लोर की कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, सो वी हैव द टीम, वी हैव द इंजीनियर्स दैट वी कैन डू। कोटा के अंदर कम से कम अभी करंटली 3 से 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां ओरिलाइट खुद अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा है और अपने खुद की टीम लगा के बहुत शानदार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। ओरिएंटल पावर केबल्स, सो ओरिएंटल पावर केबल्स इज द कंपनी वेयर वी ऑल ऑल द कंपनीज आर सिचुएटेड। सारी कंपनीज जो हमारी हैं, हम बात करें क्योरेंट की, एडिला बायोटेक की, ओरिलाइट की, जीवन संबल की, सो ऑल दोज यूनिट्स आर एस्टैब्लिश्ड इन वन प्लेस। सभी जगह
एक ही जगह पे सारी यूनिट्स हैं। सो ये बहुत एक बड़ा एरिया है जहां पर ये सारी यूनिट्स एस्टैब्लिश हैं, और इसी एरिया में हमारी कमिंग यूनिट्स और भी कई सारी यूनिट्स आने वाली हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी रही कि इतनी बड़ी जगह मिल गई जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट सेटअप लेकर आ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को। एंड द फर्स्ट बिजनेस माई डैड स्टार्टेड वॉज कोटा दाल मिल। इस सब चीजों की शुरुआत कहां से हुई? ये सब चीजों की शुरुआत हुई कोटा दाल मिल के उत्पादन से। सो कोटा दाल मिल में हम आटा, मैदा, सूजी, ये तीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये तीनों को प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। 25 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी, पैसा नहीं था, उस समय इस कंपनी की शुरुआत करी, और समय के साथ मेहनत करते हुए आज इस कंपनी को राजस्थान की वन ऑफ द लार्जेस्ट आटा, मैदा, सूजी प्रोडक्शन कंपनी बना दिया है। सो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि कोटा दाल मिल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कोटा शहर के अंदर मैक्सिमम घरों में इसी कंपनी का आटा यूज होता है। सो दिस इज द स्लाइड वेयर वी कैन सी देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर रेंज, पर्सनल केयर रेंज, एफएमसीजी रेंज। मोर प्रोडक्ट्स, सो वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट जो हमने बहुत अभी रिसेंटली लॉन्च किया है वो है एलोवेरा जूस। मुझे पाउडर बहुत पसंद है। कॉफी इज ऑल्सो वेरी फेवरेट। क्विक सिक्स इज ऑल्सो वेरी फेवरेट। क्विक सिक्स मेरी मम्मी का वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि नी प्रॉब्लम लेडीज को बहुत ज्यादा रहती है, पेन रहता है। सो क्विक सिक्स एक इंस्टेंट रिलीफ देता है आपके पेन के अंदर। अस्तिल सिरप, सो बेसिकली कफ की दिक्कत हमारे घर में मुझे लगता है कि साल में 4 बार होता है जब हमारा गला खराब हो जाता है, कभी बच्चे का, कभी हमारे पिताजी का, कभी हमारे खुद का। सो उन सभी चीजों के अंदर अस्तिल सिरप का एक बहुत ही शानदार रोल है। ऑर्थोफिक्स ऑयल, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। एलोवेरा जेल, सो सभी प्रोडक्ट्स के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं हम। सो What is a leader basically? आज हम लोग सब अपने आप को लीडर कहते हैं, तो लीडर क्या होता है? लीडर एक वो व्यक्ति होता है जो अपनी टीम को लेके चलता है। टीम जो वो एक व्यक्ति की भी हो सकती है और वो 100 व्यक्ति की भी हो सकती है और वो 10,000 व्यक्ति की भी हो सकती है। उन सभी लोगों को अपने साथ लेके चले, उनकी सबकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनको एक सिस्टम में ढाले और उनको एक ऊंचाई की तरफ लेकर जाए, उनको अपने जैसा बनाए। इन डायरेक्ट सेलिंग इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस, अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो सबसे पहला काम है, अगर मैं लीडर हूं तो मुझे अपने जैसा एक और क्रिएट करना है, उसकी जिम्मेदारी है मुझे अपने जैसा एक और क्रिएट करना है। और इस प्रोसेस को जितना हम डुप्लीकेट करेंगे, एक्चुअली क्या है, हम इस प्रोसेस को कभी देखते ही नहीं है। हम खुद को अपने आप को बड़ा करने की प्रोसेस में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे नीचे जो नया व्यक्ति आया होता है उसको हम लीडर की पोजिशन पे कभी सोच ही नहीं पाते। बट एट द एंड हमें जीत तभी मिलेगी जब हम एक नए व्यक्ति को भी लीडर बनाएंगे, उसको भी वो सारी चीजें बताएंगे जो एक बिजनेस के लिए जरूरी है, क्या क्या चीजें करके आप वहां तक पहुंचे हो, वो सारी चीजें बताना जरूरी है। एज अ लीडर यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ एंड योर टीम। सो कंपनी हैज 3 मेजर फिलॉसफी, 3 T's। सो ऑल वी हैव हर्ड इज लॉट ऑफ P's, बहुत सारे P's होते हैं कंपनी को चलाने के लिए। सो हियर वी हैव लॉट ऑफ टीज। सो ट्रुथ, द कंपनी बिलीव्स कि कुछ भी हो हमें सच बोलना है। आप लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप लोग हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो कोई भी चीज छुपानी नहीं है। सो ट्रुथ इज द मेजर पार्ट वी वर्क ऑन। ट्रस्ट, अगर मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा और आप मुझ पे ट्रस्ट करेंगे तो ये दोस्ती बहुत लंबी चलेगी। अदरवाइज अगर हमने कहीं पे भी एक दूसरे का ट्रस्ट ब्रेक किया तो शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है। मैं अपने लाइफ में शॉर्ट टर्म बिजनेस में नहीं विश्वास रखता। 3 महीने 6 महीने 8 महीने का बिजनेस नहीं करना मुझे। मुझे लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल की बिजनेस करना है, तो उसके लिए ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां ये दोनों चीजें होंगी, ट्रुथ और ट्रस्ट, वहां डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव ऑल द राइट टू नो अबाउट द कंपनी। हम सभी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंटली सभी लोगों को बताते हैं। And transparency is a major factor we all think that works to change the mentality. कैसे लोगों को हमें नए चीजों को समझाना है, उसमें transparency बहुत important होती है, because
इफ आई एम सिटिंग विद द कोर लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप के साथ मैं बैठा हूं, तो उनके सामने अगर मैं ट्रांसपेरेंट होके अपनी चीजें नहीं बताऊंगा तो हम कभी ग्रोथ की बात नहीं कर पाएंगे, मुझे हमेशा पीछे होना पड़ेगा। पर हियर व्हाट द कंपनी डज इज वी टेल एवरीथिंग, हम हमारे सीनियर लीडरशिप के साथ सब कुछ डिस्कस करते हैं ट्रांसपेरेंट होके। सो यस, व्हाई डे जॉय, राइट? सो हम सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है, आप सभी लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे समझाते हैं मुझे नहीं पता, बट आई विल ट्राई टू बेस्ट एक्सप्लेन कि व्हाई डे जॉय एंड व्हाई देयर इज नो कंपनी इन द मार्केट हु कैन कॉम्पीट विद डे जॉय। देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच वी कैन वर्क। हम सभी लोग अगर एक कंपनी को सही तरीके से दर्शाना शुरू कर दें तो बहुत सारी हमारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। सो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो अभी मैंने ये इतनी बातें बताई आप लोगों को कि इतनी सारी कंपनीज हैं जो इसके बैकअप में हैं। वी हैव ऑल द सपोर्टिंग कंपनीज। आगे चल के हम हरमोसा के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं डेजॉय में। सो वी आर प्लानिंग दैट वी लॉन्च ऑल द डिफरेंट वेरिएंट, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस करते हैं उन सब के प्रोडक्ट्स यहाँ लेकर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर, द कंपनी हैज ह्यूज प्लांट्स, इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं जहां पर लाखों बॉटल्स, लाखों टैबलेट्स, करोड़ों मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है चीजें। सो मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द मेजर पार्ट कि आप उस क्वालिटी के साथ उन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सको और उन प्रोडक्ट्स को बल्क क्वांटिटी में प्रोवाइड कर सको। जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी तब लोग हमसे यही पूछते थे कि सर क्या आप प्रोडक्ट्स दे पाओगे लोगों को, तब भी हम उतने कॉन्फिडेंट थे, आज भी हम उतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं जो हम एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं कि लोगों को कैसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे पाए एंड उनकी जो भी क्वांटिटी हो उसको फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, राइट? सो व्हाट इज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स? रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब हो गया कि ऐसे वो प्रोडक्ट्स जिनका रिजल्ट आए, राइट? सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो 50 रुपए में सर तुलसी मिल रही है, हम लेते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रिजल्ट आएगा कैसे जब उसके अंदर कुछ डला ही नहीं है? तो रिजल्ट आता है प्रोडक्ट के अंदर उसके राइट इंग्रेडिएंट्स डलने से। तो वो राइट इंग्रेडिएंट्स डलेंगे कब? जब उस व्यक्ति की नियत होगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस कंपनी को अच्छे लॉन्ग रन में ले जाने के लिए। सो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बेस है। हम सब जो फैक्टर्स पे बात करेंगे दैट इज सपोर्टिंग फैक्टर, पर अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स में रिजल्ट नहीं है तो फिर वही बात है, वो शॉर्ट टर्म बिजनेस तो हम कर सकते हैं साल दो साल का, पर लॉन्ग टर्म हम कभी नहीं सक्सेसफुल हो सकते। तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हमारे लिए एक बहुत शानदार बात है कि डेजॉय के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार रिजल्ट्स के साथ हैं। एंड आई थिंक ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी लोग हैं कस्टमर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सभी लोगों ने ये चीज देखी है कि डेजॉय के प्रोडक्ट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और बहुत ही लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स जो लॉन्च करते हैं उससे पहले एक बहुत लंबे टाइम तक उसको रिसर्च फेज में रखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे सक्सेसफुल होने का। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि हम श्योर जब तक नहीं होते कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता। सो दैट इज ऑल्सो वन मेजर फैक्टर। बेस्ट सपोर्ट, सो वी आर यंग डायरेक्टर्स, हम लोग हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, हर चीज को हम समझते हैं, राइट मार्केट में क्या सिचुएशंस हैं। सो मीटिंग्स का इतना भयंकर सपोर्ट, लोगों के कस्टमर क्वेरीज, प्रोडक्ट डिलीवरी, सो ऑल द थिंग्स आर गिवन टू यू एज द बेस्ट। हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर जो आज जुड़ा है उसका डेजॉय का एक्सपीरियंस अमेजिंग हो सके, कैसे वो जिंदगी भर हमारे साथ जुड़ सके, और क्यों जो भी उसके साथ फ्यूचर में आने वाली दिक्कतें उनको हम आज ही सॉल्व कर ले, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का कितना सपोर्ट है आपके साथ, कंपनी क्या आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है, क्या आपके पास ट्रेनर्स हैं जो आपके साथ आपकी मीटिंग सेमिनार्स करने के लिए तैयार हैं? सो कंपनी गिव्स अमेजिंग, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, अमेजिंग लीडर्स, अमेजिंग ट्रेनर्स, सभी लोग मिलके मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बेस्ट इज, नेक्स्ट इज बेस्ट लीडरशिप। सो लीडरशिप, वी हैव अमेजिंग टीम्स जो हमारे लिए काम करती है, हमारे साथ काम करती है, दिन रात भागते हैं। जो मैं टॉप मैनेजमेंट के जितने भी हमारे लीडरशिप हैं उनको मैं जब देखता हूं तो मैं इंस्पायर होता हूं और वो मुझसे इंस्पायर होते हैं। सो हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा एक ट्यूनिंग है कि वो उनकी एफर्ट देख के कि रात को 3 बजे मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं और सुबह 7 बजे उठ के वो खुद भाग रहे हैं, या 7-8 बजे उनका जूम सेशन है। सो दिस इज द डेडिकेशन जो आदमी के अंदर होती है अपने खुद के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति,
सो हमारी लीडरशिप में वो डेडिकेशन है कि अपने बिजनेस के साथ हमारा ये सभी लोगों का, हमारे डाउनलाइन का बिजनेस है. सो लीडरशिप को कैसे हम लोग और बेटर बना सकें, इसके ऊपर कंपनी हमेशा काम करती है. बेस्ट मैनेजमेंट, सो बेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज ओपन माइंडेड, बहुत ओपन माइंडेड है. हम लोग यंग जनरेशन है, बाहर से हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसका भी एक बहुत मेजर इंपैक्ट आता है. सो बेस्ट मैनेजमेंट आपको सपोर्ट मिलेगा इस कंपनी में. डेजॉय विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन ऑल द काइंड ऑफ सिचुएशन. इन हाउस प्रोडक्शन, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, हमने अभी बात करी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी खुद बनाती है. हेल्थ केयर, जिसमें सबसे ज्यादा मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी की जान होती है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोडक्ट से ही हमारा परसेप्शन जाता है मार्केट में कि हम क्या हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कंपनी खुद बनाती है. एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली द प्लान, द कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान होता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो इन सभी चीजों को मिला के हम क्या बनते हैं, बेस्ट कंपनी, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स कि क्या क्या कंपनी करती है, क्या ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, कैसे हम काम करते हुए आए हैं आज तक. सो कोटा दाल मिल वॉज स्टैब्लिश इन 1976 बाय माई दादा. मेरे ग्रैंडफादर ने कंपनी स्टार्ट करी थी. एंड ड्यूरिंग द टाइम, उस समय मैंने जैसे बताया रिसोर्सेज नहीं थी, बहुत छोटे रूप से चालू किया था. कई सारे इंसिडेंट्स हुए, बहुत बार डाउनफॉल आए, पर दो चीजों का बड़ा ध्यान दिया गया. ये चीजें, दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है अपने बिजनेस के अंदर, कि निरंतर प्रयास करते गए, चुनौतियों से नहीं डरे. दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते गए. सो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने की जिम्मेदारी तो ऑटोमेटिकली डेजो हैज टेकन. तो हमें क्या करना है, सिर्फ पहला काम, निरंतर प्रयास. कोई भी सक्सेस नहीं आती है 4 दिन में, 40 दिन में, 400 दिन में. सक्सेस को आने में 1000 दिन लगते हैं. क्या लगते हैं, 1000 दिन. सो यू हैव टू बी श्योर कि 1000 दिन अगर हम इस कंपनी को देते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट. सो उस प्रिपरेशन से आओ, 1 लाख 2 लाख रुपए का पे आउट शायद कमाने लग जाओगे उससे पहले, पर वो गोल थोड़ी है. मैं ये कहता हूं कि 1 लाख 2 लाख पे हमारी सोच को नहीं सीमित करना है. वी हैव टू रीच एट 1 करोड़ का लेवल, कि मेरा हर एक महीने का 1 करोड़ का चेक हो. और मेरे को विश्वास है कि इट इज पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, एंड यू गाइस कैन डू इट. सो ऑल द थिंग्स द कंपनी इज डूइंग कि आप सभी लोगों का चेक अमेजिंग हो, बड़ा हो. 10 साल बाद हम एक ग्रैंड यूरोप लॉन्च करें, यूएस लॉन्च करें, 5 साल बाद अलग अलग कंट्रीज लॉन्च करें. सो दैट इज माई फ्यूचर, जो मैं डेजॉय के साथ देखता हूं, अपना और आपका दोनों का. सो कोटा दाल मिल की शुरुआत बड़े छोटे रूप से हुई, और आने वाले जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमने आटा, मैदा, सूजी के कैटेगरी में, अभी रिसेंटली कंपनी ने बेसन लॉन्च किया है, इस रेंज के अंदर हमने कोटा का मार्केट बहुत ही बड़े रूप से कैप्चर कर लिया. ये कंपनी कोटा राजस्थान में स्टैब्लिश्ड है, और हम लोग मोस्टली हाड़ोती डिविजन डील करते हैं. ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वी डोंट डील होल राजस्थान. दिस इज द मेजर रीजन फॉर दिस. सो नेक्स्ट इज मल्टी मेटल्स लिमिटेड. दिस इज अ 1962 स्टार्टेड कंपनी, एंड वी बॉट द कंपनी इन 2008 9 अप्रोक्सीमेटली. एंड ये कंपनी क्या करती है, ये एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर की ट्यूब्स बनाती है. सो बेसिकली आप सभी लोगों ने एसी के अंदर कॉपर की ट्यूब्स देखी होगी, राइट? सो वो कॉपर की ट्यूब्स कहाँ से आती है, वो इसी कंपनी से आती है. हिंदुस्तान के अंदर 2 मेजर एसी के यूनिट्स हैं, जहां हिंदुस्तान की सारी कंपनीज के एसी बनते हैं, उन दोनों यूनिट्स के अंदर भी मल्टी मेटल का प्रोडक्ट लगता है. सो ऑल द एसीज व्हिच इन प्रोवाइडेड, शायद हमारे घरों में जो एसी लगे हुए उनके अंदर हो सकता है मल्टी मेटल का प्रोडक्ट लगा हुआ हो. इसके अंदर हमारा हिताची केबल, हिताची के साथ टाई अप है. हिताची इज अ जापानीज कंपनी, और इसके अंदर हम लोग हिताची को डायरेक्ट सप्लाई करते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और उनके जितने भी मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हमारा एक्सक्लूसिव टाई अप है. और इस प्रोडक्ट का जो मेजर यूज है वो डिफेंस के सेक्टर में है, डिफेंस एंड कार्गो. जो बड़े कार्गो शिप्स होते हैं, जो आप टैंक्स देखते हैं, टैंक्स के आगे का जो नोजल होता है जहां से बॉम्ब फूटता है या वो फायर होता है, वो कॉपर ट्यूब से बनता है, कॉपर एंड ब्रास का मिक्स से बनता है. दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय मल्टी मेटल. यूएस आर्मी में सप्लाई करते हैं. हमारा सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो यूएस आर्मी प्लस एयर बस, जो फ्लाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एयर एरोप्लेन बनाती है, वो हमारा क्लाइंट है. सो
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल की सोच से काम हो रहा है, कहां हम काम कर रहे हैं. सो वी वॉन्ट कि डे जॉय को कहां हम लेके जाए. ओरिलाइट लाइफ स्पेसेस, सो वी प्रोवाइड बिल्डिंग सॉल्यूशंस एंड कंस्ट्रक्शंस. तो हम लोग बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे एक घर को डिजाइन किया जाए, इंटीरियर किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए, और उसके सेम टाइम से उसको कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक रॉ प्लॉट देते हो, पर दिस इज ओनली फॉर बिग प्रोजेक्ट्स वी डू. एक हमें बड़ा सा प्रोजेक्ट मिलता है, एक बड़ा लैंड मिलता है, और उसके ऊपर अगर 10 फ्लोर 20 फ्लोर की कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो ओरिलाइट कैन डू इट इटसेल्फ. ओरिलाइट के पास सारी रिसोर्सेज हैं कि वो एक बिल्डिंग खड़ी कर सके अपने हिसाब, अपने दम पे. देन ओरिलाइट, जिसका मैंने आप लोगों को बताया कि AAC ब्लॉक्स बनते हैं, इसके अंदर और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. AAC ब्लॉक्स हो गए, उसके बाद लेंटल्स होते हैं, जब छत लगती है ना तो उसमें लेंटल्स लगते हैं. रीइंफोर्समेंट रूफ पैनल्स होते हैं कि जो छत होती है वो भी बनती है, वो भी इसी की बनती है. सो जो कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है. सो बेसिकली इंडिया में अभी भी ये चीज बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग नहीं है, पर बाहर के देशों में जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग खड़ी होती है, वो लोहे के स्ट्रक्चर पे खड़ी होती है. उससे क्या होता है, एक तो टाइम कम लगता है और चीजों को सिर्फ लाके असेंबल करना है. हमारे यहाँ पर अभी भी कल्चर है कि एक एक फ्लोर हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, RCC करते हैं. वहां है कि हम पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं लोहे का और उसके अंदर फिट करते रहते हैं हमारे ये पैनल्स. सो दिस इज होल प्रोजेक्ट, जो ये प्रोजेक्ट है ये बाहर के देशों में, जर्मनी से हमने इसका पूरा स्टार्ट किया था. इसकी मशीनें, जो भी इस प्लांट की मशीनें, इट इज अ वेरी ह्यूज प्लांट, बहुत ही बड़ा प्लांट है. तो इस प्लांट की जितनी भी मशीनें हैं वो हम जर्मनी से लेकर आए थे, और इसके अंदर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डिजाइनर वॉल पैनल्स बना सकते हैं. और इन प्रोडक्ट्स के साथ एक सोल्यूशन चाहिए होता है हमें उनको चिपकाने का. ये सीमेंट से नहीं चिपकता, आप लोग सब कंस्ट्रक्शन की बेसिक नॉलेज रखते हैं. सो सीमेंट इज अ मेजर पार्ट जिससे हम ईंटों को चिपकाते हैं, तो नहीं, इसके लिए सीमेंट यूज नहीं होता, इसके लिए ओरिफिक्स और ओरिफिनिश यूज होता है. ओरिफिक्स इज द बेसिकली जो सीमेंट के जगह काम करता है, दोनों चीजों को जोड़ के रखता है. ओरिफिनिश इज बेसिकली जो हमारी पुट्टी करते हैं हम, वो भी कंपनी खुद बनाती है. और ओरिकॉल इज जस्ट लाइक फेविकॉल, जो हम फेविकॉल यूज करते हैं उसी का एक और सब प्रोडक्ट निकाला है कंपनी में, ओरिकॉल. सो यस, सो व्हाट इज आंगनबाड़ी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास योजना, ये कुछ 3-4 नाम है जिससे ये सारी योजनाएं चलती है. हिंदुस्तान मैल न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, और आने पिछले 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक इंडेक्स आया था जहां इंडिया की पोजीशन और भी नीचे हो गई. सो टू काउंटर दिस, सरकार जितने भी आंगनवाड़ी स्कूल्स होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, उनमें फूड प्रोवाइड करती है. वो फूड क्या होता है, बेसिकली चूरमा होता है, हाई न्यूट्रिशन, जिसके अंदर गुड़ होता है, दलिया होता है, बच्चे के लिए दूध होता है. सो वो सभी प्रोडक्ट्स हम लोग अलग अलग स्टेट की रिक्वायरमेंट, हर स्टेट का एक अलग प्रोसेस है, हर स्टेट की एक डिफरेंट डाइट है. तो बेसिकली वी हैव वर्क्ड विद ऑल दीज स्टेट्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड झारखंड. सो इन सभी स्टेट्स के अंदर हमने टनों के हिसाब से लोगों को प्रोवाइड किया है आंगनबाड़ी का खाना. और उन प्रोडक्ट्स, और उससे क्या होता है, बेसिकली जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महिलाएं हैं जिनके घरों में खाने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों तक ये योजना पहुंचती है. और इस योजना का बहुत बड़ा इंपैक्ट है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट विच आर ग्रुप हैज डन. ये सबसे बड़ा ग्रुप, ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जो कंपनी करती है. नेक्स्ट इज हरमोसा. हरमोसा के अंदर हम लोग लग्जरी फर्नीचर्स बनाते हैं, स्टोर है जयपुर के अंदर, बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर्स, आपकी डिजाइन, आपके दिमाग, आप सोचोगे और वो चीज कंस्ट्रक्ट हो सकती है, वो चीज बन सकती है, दैट इज हरमोसा बेसिकली. सो वी हैव कोलैबोरेशन विद निखिल थम्पी, सोनम कपूर, गौरी खान. निखिल थम्पी इज अ बेसिकली इज अ डिजाइनर, इज अ वेरी फेमस डिजाइनर. सो नाउ वी टॉक की जो जो कंपनीज हम अभी डे जॉय के साथ कोलैबोरेशन में काम करें. सो एडिला बायोटेक इज वन ऑफ द कंपनी. एडिला बायोटेक क्या करती है, एडिला बायोटेक हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाती है.
सो एडिला बायोटेक के पास और दूसरी अन्य कई सारी कंपनीज के पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है एडिला के पास कि हम लोग एक्सट्रैक्ट्स खुद बनाते हैं। सो व्हाट इज एक्सट्रैक्ट्स, हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख ले, हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है इतने परसेंट एक्सट्रैक्ट। सो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स, एक तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल से बनते हैं और एक्सट्रैक्ट से बनते हैं। रॉ मटेरियल इज बेसिकली आपने नीम लिया, नीम को सुखाया और उसको पीसा और उसके कैप्सूल बना दिए। दूसरा तरीका है आपने नीम लिया, नीम को सुखाया, नीम को उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट किया। बेसिकली उसके अंदर से 100 किलो हमने नीम लिया तो उसके अंदर 10 किलो जो उसका मेन एक्टिव पार्ट था, पानी हटा दिया, डंठल हटा दिए, सारी चीजें हटा दी, जो आलतू फालतू जितनी चीजें थी वो सारी चीजें हटा दी। उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट बचा उसको हमने यूज करके और उसके बाद उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया। डे बायोटेक के अंदर, एडिला के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस एक्सट्रैक्शन यूनिट से बनते हैं। सो जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स है इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा अंदर से सेटिस्फैक्टरी रहते हैं कि हमें विश्वास है कि हमारे प्रोडक्ट्स काम करेंगे, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल से लेके और कई सारे प्रोडक्ट्स तो हम लोग हमारे फार्म हाउस पे उगाते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन से लेके उत्पादन से लेके और उसके बाद उनकी सोर्सिंग, हर चीज की जिम्मेदारी कंपनी खुद लेती है। सो जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर एक्सट्रैक्ट की भी परसेंटेज होती है, एवरी एक्सट्रैक्ट हैव अ डिफरेंट परसेंटेज। सो वी ट्राई कि हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज एक्सट्रैक्ट करें हमारे प्रोडक्ट्स में से। नेक्स्ट इज एडिला एग्रो फूड्स। सो बेसिकली एडिला बायोटेक में मैं कुछ पॉइंट्स बताना भूल गया। सो एडिला बायोटेक हर्बल सिरप्स बनाती है, टैबलेट्स बनाती है, कैप्सूल्स बनाती है, डाइजेस्टिव कैप पाउडर बनाती है। इस सारे प्रोडक्ट्स एडिला बायोटेक के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट इज एडिला एग्रो फूड्स। सो एडिला एग्रो फूड्स इज बेसिकली हमारा व्हेन आई केम बैक, जब अच्छा एडिला बायोटेक की शुरुआत हमारे पिताजी ने 2009-10 में कर दी थी। और जो मैंने बताया आपको कि एडिला बायोटेक की शुरुआत हुई है अस्थिपराश के उत्पादन से, पहला प्रोडक्ट आया और उसके बाद कंपनी फॉर्म हुई। हमेशा उल्टा होता है कि पहले कंपनी फॉर्म होती है उसके बाद प्रोडक्ट आता है, यहाँ पर पहले प्रोडक्ट था और उसके बाद कंपनी आई है। सो एडिला बायोटेक की शुरुआत हमने 2009-10 में कर दी थी, पर एक्चुअल में इसका एक्चुअल प्रोडक्शन हमने 2015-16 से शुरुआत करी। यूनिट काम ढंग से सब एडिला बायोटेक के 2015 के बाद से किया। एडिला एग्रो फूड्स, सो बेसिकली व्हेन आई वाज इन लंदन, वहां से वापस आने से पहले बहुत काम का जुनून था, बहुत सारी चीजें करनी थी, तो वहीं से बैठे बैठे वहां के ब्रांड्स को देखते हुए, वहां की सोच को देखते हुए हमने इंडिया के अंदर एक फूड एंड स्नैक्स ब्रांड चालू किया, यम डम। यम डम के नाम से एक ऐसा ब्रांड चालू किया जिसका अमेजिंग टेस्ट हो, जो इंडिया की थीम से भी जाता हो पर उसमें फील उसको एक प्रीमियम प्रोडक्ट किया है। तो उस वाली सोच से हमने एडिला एग्रो फूड्स की शुरुआत करी और उसके अंदर हमने हमारा ब्रांड निकाला यम डम। सो बेसिकली यम डम का हमने जो स्लोगन रखा है, भूख ज्यादा हो या कम, ओनली यम डम, राइट। सो फ्राइम्स इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। फ्राइम्स, चिप्स, टोस्ट, हेल्दी स्नैक्स, जूसेस एंड रिसेंटली वी लॉन्च पिकल्स। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क कि सर ये प्रोडक्ट्स, सो आई वॉन्ट टू से कि दीज प्रोडक्ट्स कांट बी पार्ट ऑफ डे जॉय बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई है, इसलिए ये प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच सकते। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो आयुष्मान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडिला एग्रो फूड्स, जिसके अंदर हम स्पाइसेस में डील करते हैं, हल्दी मिर्ची, धनिया, चिकन मसाला, गरम मसाला, ऑल दीज मसालाज आर मेड इन आयुष्मान कैटेगरी विच कम्स अंडर एडिला फूड्स। फ्लाईवुड इंप्रेशन, सो बेसिकली फ्लाईवुड इंप्रेशन इज ऑल्सो न्यू वेंचर विच द कंपनी हैज स्टार्टेड, जिसके अंदर हम प्लाईवुड बनाते हैं, ब्लॉक बोर्ड बनाते हैं, फ्लश डोर्स बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ न्यू वेंचर विच वी स्टार्टेड नाउ, इसको 2 साल हो गए एंड दिस इज ऑल्सो डूइंग अमेजिंग। हम लोग बिहार, झारखंड, राजस्थान और एमपी, ये 4 मार्केट अभी केटर कर रहे हैं इसके अंदर, और इन 4ों मार्केट के अंदर हमारे ये प्रोडक्ट्स का शानदार डिमांड है। वी हैव इंक्रीज द कैपेसिटी बाय डबल, जिस कैपेसिटी पे प्लांट चालू किया था और आज हमने उस कैपेसिटी को डबल कर लिया है, और आने वाले 2 साल के अंदर उस कैपेसिटी को भी हम डबल करने की प्लानिंग में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी अमेजिंग प्लानिंग चल रही है कंपनी की, कितना फोकसली बिजनेस को फोकस किया जाता है।
राइट सो कंपनी बहुत सारे अपने आरएनडी टीम्स हैं जिनके साथ काम करती है. वी हैव डन अ कोलैबोरेशन विद एथिक फार्मा. इट्स अ रिसर्च बेस्ड कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन रायपुर जो हमारे लिए सारी रिसर्च करती है, आरएनडी करती है, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट फेज में हमारे साथ काम करती है. सो हु आर द मैनेजिंग डायरेक्टर्स? आई एम अनमोल अग्रवाल हु इज हैंडलिंग द ऑपरेशंस एंड दिव्यांश अग्रवाल इज हैंडलिंग द होल बैकएंड पार्ट एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्लानिंग प्लान. And I am the one who is managing the production and all the other, we manage everything, both of us. So yes, so basically har cheez ka ek department hota hai. Company has a IVR number. IVR is basically you call, aapko ek daba ke aap is department se baat kar lijiye, do daba ke us department se baat kar lijiye. Same format mein company ka IVR ka system hai. Aap log directly bhi call kar sakte hain. प्रीफर करिएगा आईवीआर कॉल से कॉल करें. वी हैव ऑल द सपोर्ट विच यू नीड. वी हैव अ फ्रेंचाइजी मैनेजर, वी हैव अ डिस्पैच टीम, वी हैव असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर हियर, वी हैव अकाउंट्स टीम, वी हैव कस्टमर केयर टीम. सो इन पांच टीमों की मदद से हम आपको वो बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाते हैं जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए चाहिए. हियर वी हैव सम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं. आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आयुष क्वाड टी, आयुष आयुष कावा मसाला टी, ग्लोव ग्रीन टी, आयुष क्वाड, सीबक थॉन. सीबक थॉन इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है कंपनी का सीबक थॉन. एलोवेरा जूस इज आल्सो सेकंड. अभी रिसेंटली लॉन्च होने के बाद मेरे हिसाब से शायद दो तीन दिन में ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है इस प्रोडक्ट की. शतावरी, शतावरी फीमेल के लिए एक बहुत ही रामबाण है. शतावरी फीमेल की बॉडी को परफेक्ट, जो उनका साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको परफेक्ट बनाती है. गिलोय एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, आंवला एक्सट्रैक्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी खुद बनाती है. इंस्टेंट कॉफी पाउडर, कॉफी जो हम नेस्कैफे की कॉफी यूज करते हैं उसके जगह पे हम डेजॉय की कॉफी यूज करें. चाट मसाला, चाट मसाला हम सलाद खाते हैं, सलाद में चाट मसाले की जरूरत है. सो दिस इज हाउ यू पिच अ पर्सन. मतलब ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी एक व्यक्ति को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम बता सकते हैं जुड़ने के लिए कि उसको अपने घर से संबंधित, अपने हेल्थ से संबंधित कोई भी जरूरत है वो आप पूरी कर सको. पिकल्स की एक बहुत अमेजिंग रेंज है. पिंक सॉल्ट कंपनी ने अभी रिसेंटली पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट लॉन्च किया है. पिंक सॉल्ट के बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं. जो हम आयोडीन वाला सफेद नमक खाते हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, स्टॉप इट. मतलब आज ही अपने घर में रोक दीजिए उस नमक को, क्योंकि वो रोज आप छोटी मात्रा में जहर खा रहे हैं, वो तो उसके काबिल है. प्लीज व्हाइट सॉल्ट को आप लोग अपने घर से जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है. हम सब कुछ हमारी हेल्थ के लिए अच्छा करने की सोचते हैं, पर वो सफेद नमक जो हम रोज खा रहे हैं छोटी डोज में पॉइजन की तरह, वो बहुत गलत है. जीरा है, कस्तूरी मेथी है, सब्जी मसाला है. पर्सनल केयर की रेंज है. सो पर्सनल केयर के रेंज के अंदर फेस वॉश है, शावर जेल है, लोशंस है, हर्बो स्माइल व्हाइट टूथपेस्ट है, हर्बो स्माइल हर्बल टूथपेस्ट है, नीम सोप, मिल्क बाथ सोप, ब्रश, इको फ्रेंडली ब्रश. सो इको फ्रेंडली ब्रश इज ऑल्सो वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च करा, जो कंपनी ने लॉन्च किया है. सैनिटरी पैड, सैनिटरी पैड इज ऑल्सो डूइंग गुड इन द मार्केट. बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं हमें सैनिटरी पैड के. मोरिंगा फेस वॉश, फेस वॉश, मोरिंगा बॉडी वॉश आपको अमेजिंग फील देता है. मैं सुबह जब इस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ आई फील वेरी डिफरेंट. फिर उसके बाद बॉडी लोशन है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है गुलाब की वो बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है पूरे दिन को. और उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग फील है, 6 से 8 घंटे के अंदर तक आपको उसकी फील आपकी बॉडी के अंदर रखती है. फिर डीप क्लिनजिंग टी ट्री फेस वॉश. सो टी ट्री फेस वॉश इज ऑल्सो देयर. शैम्पू, शैम्पू इज मिल्क एंड क्रिएटिन शैम्पू. इसके अंदर क्रिएटिन के एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं जो हमारे बालों को स्ट्रेंथन करते हैं और उनको और मजबूत बनाते हैं. एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल इज बेसिकली व्हेन यू यूज, व्हेन यू स्लीप एट नाइट और या दिन में हम एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं और हमारे फेस को, हमारे बॉडी पे जो पिंपल्स हैं, रैशेस हैं और स्किन को हम और सॉफ्ट बना सकते हैं.
होम केयर की रेंज डिश वॉश टॉयलेट क्लीनर डिटर्जेंट बार डिश वॉश बार, क्लोथिंग रेंज डोमाटी एंड डिजाइनर मास्क। सो डिजाइनर मास्क इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। आपको 6 मास्क खरीदने पे, 5 मास्क खरीदने पे आपको 10 मास्क का डिजाइन मिलता है। इट इज अ रिवर्सिबल मास्क। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रोज हर 3-4 दिन में एक नए फार्म की, एक नए खेत की कंपनी में वीडियोस आती है। हम देख के बहुत खुश होते हैं कि कितना हम किसान की उत्पादन को बढ़ा सके और कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। किसान हमारे लिए बहुत काम करता है, सो उसके लिए हम कैसे उसके बिजनेस को बढ़ा सके। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैप्पी ग्रो का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम किसानों की इनकम को बढ़ा सकें और उसके साथ कैसे हम हमारे बिजनेस को बढ़ा सकें, दोनों को बहुत वाइसे वर्से रखा गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आई थिंक विल डू बूम इन द फ्यूचर। एग्रीकल्चर आने वाले समय का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हो सकता है। सो फोकस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, रिजल्ट देखने के लिए आपको किसी को बहुत बड़ा कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी बॉटल खरीद सकते हैं, आप एक टैबलेट देके उसको एक छोटे से एरिया में ट्रायल करवा सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि तीनों प्रोडक्ट्स का आप ट्रायल रन कर सकते हो। प्रॉस्पेरस का आप 1 महीने का एक ट्रायल रन कर सकते हो, दोनों प्रोडक्ट्स का, टैबलेट का या लिक्विड का। आप एक छोटा सा एक लैंड लो, एक सपोज पूरा ब्लॉक है जहां पर किसी व्यक्ति ने खेती कर रखी है, उसका एक छोटा सा लैंड लो, बिल्कुल एक छोटा सा एक लाइन ड्रॉ करो जिसके अंदर एक क्यारी, जिसको हम बोलते हैं, उस क्यारी के अंदर प्रॉस्परस के प्रोडक्ट डालो। बाकी वो ट्रेडिशनली जो भी प्रोडक्ट्स यूज करा है उसको वो यूज करने दो। ही विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस आफ्टर 1 मंथ कि उस प्रोडक्ट उसकी जो जो हरापन होगा उसके अंदर, जो उसकी ग्रोथ होगी, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, वो सबके अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। प्रॉस्परस इतना शानदार प्रोडक्ट है। ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर की तो मैं क्या ही बात करूं। ट्रांसपोर्टर इज बेसिकली क्या है कि आप जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या कोई भी अन्य एग्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनका सही मात्रा में प्लांट कभी यूज ही नहीं कर पाता, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। जैसे हम कोई टैबलेट या सिरप लेते हैं, हमारी बॉडी, हमारी इंटेस्टाइन, हमारी सारी चीजें वर्क करती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, हमारा स्टमक डाइजेस्ट करता है। वैसे ही ट्रांसपोर्टर क्या करता है कि हमने कोई भी दवाई का छिड़काव किया, फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, अगर मैंने कोई दवाई का छिड़काव यहां किया, अगर स्प्रे जब करूंगा उसकी 2 बूंदे जाके गिरेगी यहां, क्योंकि इट विल बी अ स्प्रे जिसमें हम ऐसे लॉन्ग लंबे रास्ते से हम स्प्रे करते हुए आएंगे मशीनों से, तो वो अगर 2 ही पॉइंट, पूरी एक पत्ती है फूल, अगर कोई भी पत्ती है, कोई भी फूल है, किसी भी प्लांट का, किसी भी क्रॉप का, तो उस पे अगर दो दो ही ड्रॉप गिरी और यहीं गिरी, तो उसमें क्या होगा, पूरे लीफ में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। जब तक पूरी लीफ में न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उसके लीफ में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। सो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ट्रांसपोर्टर अगर वो 2 ड्रॉप यहां गिरी है, उस ड्रॉप को पूरे पूरे लीफ तक फैलाता है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है। सो दिस विल इंक्रीज नॉट ओनली प्रॉस्पेरस की प्रोडक्टिविटी। किसान जो भी अन्य किसी भी टाइप का प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, एनपीके यूज कर रहा होगा या कोई भी कीटाणु नाशक यूज कर रहा होगा, उसके अंदर भी ट्रांसपोर्टर का एक बहुत बड़ा बिजनेस हम देख सकते हैं, जिसपे हम वर्क कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ मीटिंग, सो बेसिकली व्हाट वी कैन स्टार्ट इज होम मीटिंग। हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, होम मीटिंग का सबसे बड़ा रोल है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। होम मीटिंग 1 घंटे की हम रखें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे मैं आज आप लोगों के सामने एनडीओपी कर रहा हूं, अगर मुझे लगता है इसी एनर्जी के साथ, इसी नॉलेज के साथ, अगर आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये चीजें समझाएंगे जो मैंने आपको लोगों को समझाई है, दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग विद यू। सो 1 घंटा का क्यों बोला गया है, क्योंकि 1 घंटा इज मोर देन इनफ एक समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। सो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिए कि किस मीटिंग का कितना टाइम हमें स्पेसिफिकेशनली देना है। 1 घंटे की मेन मीटिंग हो सकती है और उसके बाद हमारा सेकेंड 1 आवर, 2 घंटे, वो कोई डिस्कशन डिस्कशन के टाइम की कोई लिमिट नहीं है, पर जो हमें मेन मीटिंग के अपने पॉइंट समझाने हैं, अपने एजेंडा समझाने हैं, वो हम बाद में समझा सकते हैं। वीकली मीटिंग बेसिकली 2 घंटे की होनी चाहिए। वीकली मीटिंग 10 बंदों से भी हो सकती है, 5 बंदों से भी हो सकती है, 20 बंदों से भी हो सकती है। ये घर पे भी हो सकती है, हमारे सुपर स्टॉकिस्ट के यहाँ भी हो सकती है, शॉपी के यहाँ भी हो सकती है, ये एक पेड़ के नीचे भी हो सकती है। सो वीकली मीटिंग कैन हैपन एनी वेयर, बट दिस हैज टू हैपन।
हम आज जब बिजनेस करते हैं वीकली मीटिंग को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। वीकली मीटिंग हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा सपोर्ट है। आज मैं अगर एज ए प्रोस्पेक्ट कहीं जाता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे साथ मेरी जैसे 10 लोग और खड़े हैं जो मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं उस वीकली मीटिंग में क्या नॉलेज लेता हूं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो माहौल, मेरा जो माइंडसेट बनता है इस कंपनी के प्रति, लोगों के प्रति। क्योंकि जब आदमी को आप होम मीटिंग देते हो, वो इंडिविजुअल फील करता है अपने आप को कि यार मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे बिजनेस करूंगा, मैंने तो अभी कभी करा नहीं, मेरे लिए तो सब चीजें नई है, डायरेक्ट सेलिंग मैंने किया नहीं, बहुत कुछ अलग होता है। सो इन सब बातों से वो सब चीजें भूल जाता है, वो सारी कहानियां जो उसके दिमाग में चल रही होती है ना, वो सारी कहानियां बंद हो जाती है वीकली मीटिंग में। क्यों? क्योंकि वो अपने जैसे 10 लोग और देखता है वहां पर, नए प्रोस्पेक्ट जो काम करने के लिए तैयार हैं। तो वो सभी लोगों का जो एक माहौल बनता है, उसी से आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आएगी। मंथली मीटिंग, सो 2.5 से 3 घंटे की मंथली मीटिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर हम जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, हम वीकली मीटिंग में जितने भी प्रोस्पेक्ट से मिले, होम मीटिंग में जितने भी प्रोस्पेक्ट से मिले, जितने हमारे एक्टिव लीडर्स हैं, हो सकता है वीकली मीटिंग 50 अलग अलग टीम में, एक शहर में, फॉर एन एग्जाम्पल एक शहर में 5 टीम अलग अलग काम कर रही है, तो वो अपनी अपनी वीकली मीटिंग अलग कर रही है, पर जो मंथली मीटिंग है वो उन सबकी कंबाइंड होगी। सो उससे क्या होगा, एक और भी बड़ा माहौल दिखेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारी वीकली मीटिंग तक कन्वर्ट नहीं हो पाया था, एक प्रोस्पेक्ट हमारी वीकली मीटिंग तक कन्वर्ट नहीं हो पाया था, वो मंथली मीटिंग में जाके कन्वर्ट होगा। एंड नेक्स्ट इज मेगा सेमिनार्स। ये क्वार्टरली होंगे, इसकी जिम्मेदारी कंपनी ने ली है, ये कंपनी ऑर्गेनाइज रहेंगे और इसमें शानदार हम प्रोग्राम्स करेंगे। सो दीज आर द ट्रेनिंग्स व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड। ट्रेनिंग क्या करती है कंपनी? सो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करती है। हमारे डॉक्टर हैं जो इन सभी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, एंड वेरी सून वी विल सी लॉट ऑफ न्यू ट्रेनिंग्स हैपन इन हेल्थ केयर का। उसके अंदर जो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं उसकी हमारी ट्रेनिंग्स होती है। हाई एंड वर्कशॉप्स होती है। हाई एंड वर्कशॉप मींस प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी। सो दीज वर्कशॉप्स आर पेड। ये वर्कशॉप्स पेड होती है। हाई एंड वर्कशॉप्स जो भी होंगी वो पेड होंगी। कंपनी लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, ये छोटे टारगेट पे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोग फन भी करते हैं, मिलते हैं साथ में, डिनर करते हैं, मजे करते हैं और कुछ नई बातें सीखते हैं, कैसे और बिजनेस को बढ़ाया जाए, उन सब विषय पे चर्चा करते हैं। एक नई चीज जो कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है वो है रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, RTP। सो हम जान लेते हैं क्या है RTP। सो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वी विल स्टार्ट RTP, रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जैसे LDP होती है, LDP नेशनल लेवल पे होती है या एक जोन लेवल पे होती है, वैसे ही RTPs ऑर्गेनाइज करेगी कंपनी। बेसिकली एक बहुत छोटा टारगेट रखा जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को फुल डे लर्निंग प्रोग्राम दिया जाएगा एक अच्छे होटल में, और उसके साथ बहुत सारे अमेजिंग चीजें, इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। इस प्रोग्राम के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग 1 तारीख को लाइव आके समझाएंगे। सो रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा स्कोप बनने वाला है, क्योंकि कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर जब आज जुड़ता है, उसके हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर उसको अगर ट्रेनिंग मिल गई तो आई एम श्योर ही विल डू गुड। अगर उसके जैसे उसको 50 लोग वो मिल गए जो उसके तरह मेहनत करने के लिए तैयार है, इट विल बी ऑन टारगेट बेस। ये ऐसा नहीं है कि हर आदमी उठ के आ सकता है, ये एक बहुत मिनिमम टारगेट होगा जिसके अंदर हमें पता लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे बिजनेस के लिए सीरियस है, ये व्यक्ति अपने आप को ग्रो करना चाहता है, ये व्यक्ति कंपनी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहता है, उसी व्यक्ति को ये RTP प्रोग्राम का पार्ट बनाया जाएगा। सो कंपनी हैज डन लॉट ऑफ बिग इवेंट्स, कोटा, रांची, भिलाई, जयपुर, जमशेदपुर, बैतूल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोची, मैसूर। सो ऑन 24th, ऑन दिस संडे वी आर ऑल्सो डूइंग अ बिग मेगा सेमिनार इन हैदराबाद। सो बी रेडी एंड गेट ऑल योर गेस्ट देयर एंड वी विल सी यू, होपफुली वी सी यू देयर। सो व्हाट इज एज अ लीडर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समझना जरूरी है। हमें हमारी KYC कंप्लीट करनी है, हमें हमारी ID की कैपिंग करनी है जितना जल्दी हो सके,
हमें कंपनी की वेबसाइट जरूर देखते हुए रहना है जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिले कंपनी से रिलेटेड। हमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बहुत काम करना है। बेसिकली मैं जो लोगों के साथ देखता हूँ ना, मतलब फ्रेंकली मैं आप लोगों को सबको एक चीज बोलना चाहूंगा इस जूम मीटिंग, इस फेसबुक मीटिंग के माध्यम से, कि आज जब हम कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है, नॉट दिस डायरेक्ट सेलिंग, आज मैं अपनी अगर दुकान, किराने की दुकान लगाता हूँ, तो उससे पहले मैं ये तो जानता हूँ ना कि मेरे को क्या प्रोडक्ट्स बेचने, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, क्या उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है। पर वहीं पर हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम जब एक डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में काम करते हैं, हम उन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और उसका रीजन भी मुझे पता है, उसका रीजन है कि हमारा इन्वेस्टमेंट साइज बहुत कम है, इसलिए हमें फर्क ही नहीं पड़ता सीखने से, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। अनटिल अनलेस आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में मास्टर नहीं हो, तो आप नॉलेज, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है आप डिलीवर नहीं कर सकते, और अगर नॉलेज नहीं डिलीवर कर सकते तो आप स्टेज पे बोलोगे क्या, आप लोगों को समझाओगे क्या। नॉलेज होगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप चीजों को बोल पाओगे। सो ब्रोशर्स को रट्टा मार लो, सारी चीजों को देखो समझो, डॉक्टर मीटिंग से समझो सीखो, मतलब यही मंत्र है बिजनेस रन करने का, बिजनेस करने का, अपने बिजनेस की 100% इंफॉर्मेशन। मैं आज अगर आप लोगों से सबसे, आज शायद 300-400 लोग ये जो लाइव सुन रहे हैं और उसके बाद जो 500 लोग और ये लाइव सुनेंगे, सभी लोगों से इस एक सेकंड पे मेरा सवाल है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या मुझे कंपनी के 10 प्रोडक्ट्स की 100% इंफॉर्मेशन है क्या। मुझे एक व्यक्ति ऐसा, मुझे एक व्यक्ति बताओ जो ऐसा बोल दे कि मुझे है 100% इंफॉर्मेशन। नहीं है लोगों के पास इंफॉर्मेशन। रीजन है हम सोचते हैं कि हमें बड़ा बनना है, पर उस बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सीखने की कोशिश करनी पड़ती है, वो हम नहीं कर पाते। तो माइंडसेट चेंज करना होगा, हमें सीखने वाले माइंडसेट में आना होगा कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, प्लान की इंफॉर्मेशन, मान लिया टेस्टिमोनियल्स को हम बता के हम हमारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, पर नहीं। आज जब आपको नॉलेज लेनी है, जब आपको एज ए लीडर बनना है, आपको एक छोटे लेवल पे काम करना, ठीक है भाई मेरे को थोड़ा बहुत पता है, मैं अच्छा सर मैंने ये प्रोडक्ट किसी को दिया था उसको बढ़िया रिजल्ट आया, आप भी लो आपको भी आएगा, ये नहीं होता तरीका प्रोस्पेक्टिंग करने का, प्रोडक्ट को बेचने का। तो तरीका जो होना चाहिए वो है कि सर ये 5 मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये मेन 5 इंग्रेडिएंट है और ये मेन 5 रिजल्ट है इसके, सिर्फ 5-5 मेन इंग्रेडिएंट और उसके 5-5 मेन रिजल्ट अगर हमने जान लिए तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं पे भी रुकने की जरूरत है। सारे प्रोडक्ट्स नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, मेजरली हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स की हम जानकारी रख ले, सीबकथोर, अस्थप्राश, रिजबेरीज, लिवीज, एचबी प्लस, एडिकार्डियल, ये सब प्रोडक्ट्स की हमें इंफॉर्मेशन होना बड़ा जरूरी है। जो मैं लोगों के अंदर देखता हुआ आया हूँ, मैं वो सारी चीजें आप लोगों को नोट डाउन करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो हमारे अंदर, हम सब के अंदर, शायद मेरे अंदर अलग टाइप की कमियां होंगी कि मैं भी आज बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाता, पर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को सबको आज हम डेजॉय में जब हम काम कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। अपने आप से जरूर पूछना ये सवाल कि क्या हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, अगर ये इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेसफुल, अगर नहीं है तो जरूर कठिनाइयां आ रही होंगी आपको, जरूर प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो इस प्रॉब्लम से सबसे पहले निकलिए, सारी इंफॉर्मेशन लीजिए, प्लान की नॉलेज लीजिए, कंपनी से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, इतना बड़ा सपोर्ट है डॉक्टर का, डॉक्टर इज अवेलेबल ऑन कॉल, आप कहीं पे भी अटकते हो किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ हो, डॉक्टर को बात करवाइए, डॉक्टर से पूछिए कैसे इस बीमारी का क्या सोल्यूशन हो सकता है, इज देयर, उनसे इंग्रेडिएंट के बारे में जानिए, उनसे प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, इज ओपन टू दैट, पर्सनल करिए, आप अपने जूम पे करिए, इज ओपन टू दैट, सो वी कैन वर्क ऑन इट। रोल मॉडल बनने की कोशिश करो, आज कोई भी लीडर बनता है ना उसको उसके नीचे टीम एज अ लीडर तभी मानती है जब आप एक रोल मॉडल की तरह काम करते हो। आज नरेंद्र मोदी जी को जब दुनिया देखती है उनको रोल मॉडल मानती है, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीजेपी है या कोई भी और सरकार है, उसके अंदर जो लोग हैं उन लोग उनको आइडियल मानते हैं। सो हमें वो लीडरशिप क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी हर एक व्यक्ति को अपने अंदर, कि कैसे हम एक अपने नीचे जो व्यक्ति है उसको अंदर विश्वास दिला सके कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी, तू काम कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे बिजनेस में मैं तेरे साथ 24 घंटे तेरे साथ सपोर्ट के लिए खड़ा हूं। ये इतना सा ही तो सपोर्ट चाहिए, जब आप आज नए बिजनेस में आए थे तब आपको भी उतना ही सपोर्ट चाहिए था कि आपको ये 4 लाइनें कोई बोल देता कि तू काम कर मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ तेरे प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए खड़ा हूं, तू प्रोडक्ट्स की बात कर मैं उनको समझाने के लिए खड़ा हूं। आज नया कोई नए लेवल पे एक स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई गोल डायरेक्टर है, हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, पर आज आपके साथ प्लैटिनम्स हैं
जो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, आप उनको मैक्सिमम यूज करिए, उनके पास पहुंचिए, उनसे पूछिए क्या क्या तकलीफें आ रही है, उनसे डिस्कस करिए। अपने डैशबोर्ड को रोज ओपन करो, शायद कुछ नई चीज देखने के लिए मिल जाए, कंपनी का कोई ऐसा ऑफर पता लग जाए जो हमें पता नहीं था, कोई हो सकता है इंसेंटिव, कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें हम थोड़ा सा रह रहे हैं, उसको कंप्लीट करिए। ऑलवेज ऑलवेज थिंक कि कंपनी को हमें कहां खड़ा करना है। जैसे ही हम अपने बारे, क्या होता है देखो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। क्या आपका घर परफेक्ट है? क्या आप खुद परफेक्ट हैं? नहीं होता। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे फादर परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता। हम सब परफेक्ट बनते हैं, हम सब निरंतर प्रयास करते हैं, जिसके वजह से हम आज बिजनेस के अंदर जहां हैं वहां पहुंचते हैं। हर दिन एक नई लर्निंग है, जैसे जैसे हम, मैं हर रात को जब सोता हूं ना, उसके दिन अगले दिन सोचता हूं कि मैंने कुछ एक नया डेवलपमेंट किया, एक नेक्स्ट स्टेप पे होता हूं। तो हर आदमी में कमियां होती है, अपनी कमियों को भी आप सुधारिए, आगे बढ़िए, कमियों को मत फोकस करो, कमियों को सिर्फ सुधारना है, मतलब उस पे चिंतन चिंतन करके, मगन करके, और उसको आगे बढ़ना है, उसके ऊपर नेगेटिव नहीं होना है। एंड उसके बाद कंपनी के बारे में नेगेटिव मत बोलो, क्या है उसका रीजन, क्योंकि नेगेटिविटी आपके माइंडसेट का गेम है। जैसे ही आपने एक बार अपने माइंड में नेगेटिविटी लेकर आए ना, तो मेरा नुकसान तो क्या होगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर का तो क्या नुकसान होगा, आपका खुद का नुकसान है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि कमियां हर चीज में होती है, कमियों से आगे बढ़ के हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं। हमने जैसे ही हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट लेकर आए, हम जैसे ही उसको 10 लोगों को डिलीवर करेंगे, वो 10 लोगों के सामने आपकी और रेपुटेशन खराब होती है कि भाई जब ये कंपनी खराब थी तो तू क्यों इसका पार्ट बना हुआ था इतने टाइम से, तुझे नहीं समझ में आ रहा था कि तू 6 महीने 8 महीने साल भर से काम कर रहा था, तू अब हमें बता रहा है। सो दिस गिव्स अ रॉन्ग इम्प्लीकेशन, नॉट सिर्फ कंपनी के लिए नहीं देती, डेजॉय के लिए नहीं देती, वो आपके ऊपर भी एक रॉन्ग इम्प्लीकेशन दिखती है। डोंट डिस्कस द टॉपिक्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, उन टॉपिक्स के ऊपर हम बात ही नहीं करें जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ऑलवेज रिस्पेक्ट द अपलाइन, अपलाइन डिवाइन होती है, भगवान होती है, उनको वही दर्जा दिया जाए और नीचे वालों से उसी तरीके से नीचे वालों से वही दर्जा लिया जाए। इट इज गिव एंड टेक प्रोसेस, जितना हम दे सकते हैं उतना ही हम ले सकते हैं। सो देने की कैपेसिटी रखो, अपने आप मिलेगा आपको, बिल्कुल सिंपल फंडा है। हम अपने आप को बस बदल लो, अपने आप नीचे वाला आपको बदल, आपके साथ वैसा ही हो जाएगा। सो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है ये, जहाँ डिटेल्स हैं, केवल नगर में कंपनी का ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस इज इंदिरा विहार। एंड वन मोर थिंग विच आई हैव बीन टेलिंग टू ऑल माय लीडरशिप एंड माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप सभी लोगों से मेरा एक ही कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आजकल बदल रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो सोशल मीडिया का यूज करिए, कैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, रोज जो मीटिंग्स कर रहे हैं उसको अपडेट करो। रीजन क्या है कि हम हमारी इंफॉर्मेशन को बताते नहीं है। कोई प्रोडक्ट अगर ये रिमोट है, ये अपने आप नहीं बिकेगा, इसको बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसको सेल करने के लिए क्या है, एडवर्टाइज करना पड़ेगा। एडवर्टाइज हम खुद, हमारे टीवी है, हम खुद ही हमारे एडवर्टाइजर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सएप के स्टोरीज का पार्ट बनाना पड़ेगा, हमें हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने पड़ेंगे। हमारे हो सकता है आज वो प्रोस्पेक्ट नहीं हो, पर आने वाले समय में जो आने वाला व्यक्ति वो हमारा प्रोस्पेक्ट हो। ग्रुप में ऐड मत करो, क्या होता है लोगों को ग्रुप बनाना अच्छा नहीं लगता। आप लोग आप प्रोस्पेक्ट्स का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, 100 लोग आपको आपकी लिस्ट में ऐसे मिल जाएंगे जो आपके लिए डेली आपके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। उन लोगों को आप टच करो, आप रोज उनको एक मैसेज भेजो, एक कंपनी का जो भी पोस्ट आता है वो भेजो, व्हाटएवर यू लाइक, पर उन लोगों के पास एक रेगुलर हैमरिंग करते रहो। जो लोग हमारे साथ सिस्टम में छूट गए, उन सभी लोगों को एक रेगुलर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेज डालो। आज वो शायद हमारे साथ सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले समय में वो हमारे साथ काम करेंगे। सो व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज समवन हु क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड टेक्स फायदा ऑफ इट। मतलब हिंदी में बोला जाए तो एक अपॉर्चुनिटी देखता है कि भाई ये गलत है और इसका कैसे मैं सोल्यूशन ढूंढ सकता हूं, और इसका फायदा ढूंढ के और उसका सोल्यूशन कर देता है। तो एंटरप्रेन्योर हम किसको बोलते हैं? ओला के ओनर को, राइट, अमेज़न के ओनर को, इन सभी लोगों को हम एंटरप्रेन्योर ही तो बोलते हैं। इन्होंने दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करा, तो क्या हम वो नहीं कर सकते? हमारे साथ तो बहुत छोटी प्रॉब्लम्स है, कंपनी आपके साथ हर चीज में खड़ी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करना है। सो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज कि डेजॉय
आप लोगों के लिए 24 घंटे खड़ी है, मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, दिव्यांश अग्रवाल इज स्टैंडिंग हियर विद यू फॉर 24/7, मिस्टर शंभू अग्रवाल इज स्टैंडिंग विद यू, माय मॉम इज स्टैंडिंग हियर विद अस, वी रन दिस कंपनी एज अ फैमिली, हम एज अ बिजनेस नहीं रन करते, हम इस कंपनी को एज अ फैमिली रन करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन सभी चीजों का ध्यान रखें जो इस कंपनी को और हमें खुद को बड़ा बना सके। So all these slides are very important, but I think we have conducted 1 hour meeting, and I would like to end this meeting with a good note. This is just the beginning. अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप अगर Dayjoy के साथ हैं और आप मेरे साथ हैं, personally अगर आप मेरे साथ हैं, तो ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत कुछ होने वाला है आने वाले समय में और आप लोगों को मजा आएगा। ये जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली है। अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, 2 साल के अंदर 1.5 साल हमने कोविड में गुजारा है। मतलब आप लोग खुद सोचो कि 1.5 साल तो कंपनी अपनी ताकत दिखाई नहीं पाई। दिस इज द राइट मोमेंट। अब हम हमारी जो प्लानिंग थी, जो हमने 1.5 साल से रोकी हुई थी, उन सारी प्लानिंग्स को लेके कंपनी आ रही है। सो आने वाले समय में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिखने वाली है और RTP एक बहुत बड़ा मेजर बिजनेस चंक होने वाला है कंपनी के लिए और आप लोगों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। RTP से बूम आएगा आपके बिजनेस में। सो व्हेनेवर RTP इज अनाउंस्ड, उसके ऊपर फोकस करो, लोगों को अभी से RTP के बारे में बताना शुरू करो। RTP इज बेसिकली रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ये प्रोग्राम्स आपके रीजन वाइज होंगे, स्टेट वाइज होंगे। बेसिकली जहां भी 50 से 100 लोगों की गैदरिंग रहेगी, वहां ये RTP प्रोग्राम्स करे जाएंगे स्टेट वाइज। फॉर एन एग्जाम्पल, झारखंड है तो झारखंड में रांची में प्रोग्राम किया जाएगा, बिहार है तो पटना में किया जाएगा, राजस्थान है तो जयपुर में किया जाएगा, और ऐसे सभी लोग सभी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे किया जाएगा। सो ऑल माय फ्रेंड्स, आई वांट टू जस्ट से दैट Dayjoy इज डूइंग गुड, वी ऑल आर डूइंग गुड। हम सब बस इसी तरीके से अगर एफर्ट करते रहेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो आने वाले समय में हम सब देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार पे आउट, बहुत शानदार रिजल्ट्स और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड वेरी सून आई वांट टू सी लॉट ऑफ न्यू डायमंड्स एंड लॉट ऑफ न्यू happening things happening in the company. So thank you everyone being the part of this presentation, and I wanted to complete the presentation but bahut sari aur slides hain jo main nahi kar paya cover, bahut sari aur man mein baatein hain jo nahi kar paya, to bahut jaldi milenge un baki bachi hui sari baaton ko karne ke liye. Mere kuch jo personal experience hai wo to main abhi tak aap logon ko share hi nahi kar paya, un sab cheezon ke bare mein hum janenge, samjhenge aur kaise जो डायमंड्स आज डायमंड्स बने, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, जो उनसे मेरा इंटरेक्शन है, उनको मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग सब डायमंड्स बन सकते हैं, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, नमस्कार एंड गुड डे, जॉय इवनिंग एवरीवन, थैंक यू।